नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट लाइन गुरु के प्री मैच एनालिसिस में आपका स्वागत है, जहां आज के वीडियो में हम कवर करेंगे LPL 2020 के 14th मैच को, जो खेला जाएगा 17th दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे कोलंबो किंग्स और काले ग्लैडिएटर्स के बीच। तो दोस्तों, होने वाले इस मैच में क्या कुछ है खास, कैसी होगी पिच की चाल और कैसा होगा टीम का हाल, तो अपने इस वीडियो में हम इन सभी बातों पे विस्तार के साथ सभी स्टैट्स साझा करेंगे। तो अगले कुछ मिनट के लिए बने रहें आप हमारे साथ। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर ले जल्दी से और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैच के वेन्यू से। भाई, महिंदा राजापक्सा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा ये 14th मैच, जहां अभी तक खेले गए सभी मैचेस के रिकॉर्ड्स पे नजर डालें तो टोटल 13 मैचेस खेले गए हैं, जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 7 बार जीती और रन चेस करने वाली टीम भी 6 बार जीती है। हाईएस्ट स्कोर रिकॉर्ड किया गया है 219 रन, वहीं लोएस्ट स्कोर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है 105 रन। साथ ही यहां पे गेंदबाजों के रिकॉर्ड्स को खंगालें तो 13 मैचेस में टोटल 145 विकेट्स लिए जा चुके हैं, जहां पेसर्स ने चटकाए हैं 87 विकेट्स और स्पिनर्स ने लिए हैं 46 विकेट्स और रन आउट 9 बार किए जा चुके हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रैक और छोटी बाउंड्रीज काफी हद तक बल्लेबाजी को सपोर्ट कर रही हैं, जिसके चलते 190 प्लस का स्कोर बनाया जा सकता है, और अगर स्कोर थोड़ा भी कम रह जाता है पहले बल्ला रन बनाने वाली टीम के द्वारा तो उन्हें डिफेंड करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। बात टॉस की करें तो मोस्टली सभी टीम्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर रही हैं, लेकिन यहां पे थोड़े चेंजेस किए जा सकते हैं और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जा सकता है। इन सभी स्टैट्स के बाद आइए अब बढ़ते हैं टीम एनालिसिस की और शुरुआत करते हैं टीम कोलंबो से। तो भाई लोग, कोलंबो एक के बाद एक मैचेस जीतते हुए पॉइंट्स टेबल पे आ चुकी है नंबर 2 पर, जहां दिनेश चांदीमल 183 रन के साथ टीम के टॉप स्कोरर बन चुके हैं। आंद्रे रसल भी अपनी दमदार बल्लेबाजी के चलते 217 के स्ट्राइक रेट से कोलंबो के लिए रन बनाते चले जा रहे हैं। थिक्शिला डिसिल्वा और एंजेलो मैथ्यूज से अभी भी हम एक सेट बल्लेबाजी की उम्मीद कर रहे हैं, जिनके फॉर्म में आने से टीम का बैटिंग लाइनअप ऑन पेपर के साथ साथ ऑन फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बात गेंदबाजी की करें तो ये इनका ज्यादा मजबूत पक्ष है। कायस अहमद, दुश्मंथा चमीरा और उजुरु उडाना अच्छी लय में है, गेंदबाजी भी कर रहे हैं और इन्हें बचे हुए गेंदबाजों का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें आंद्रे रसल को भी सफलताएं मिलती जा रही हैं। ये तो हो गई बातें कोलंबो की, बढ़ते हैं दूसरी टीम काले ग्लैडिएटर्स की ओर। तो भाई लोग, ग्लैडिएटर्स का ये सीजन मैच दर मैच खराब ही होता जा रहा है, जहां टीम को अभी तक एक भी जीत हासिल नहीं हुई है, लगातार 5 मैचेस हार चुके हैं। वहीं कहीं ना कहीं अफरीदी के लीग से एग्जिट होने पे टीम को थोड़ा और बैकफुट पे आते देखा गया है। अभी तक टीम में ओपनर धनुष्का गुनाथिलाका ने ही कंसिस्टेंसी दिखाई है। अब भले ही जीत इनके फेवर में नहीं है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है एहसान अली और चैडविक वॉल्टन ने थोड़ा बहुत जोर आजमाइश जरूर की है। अब यहाँ टीम को मिडिल ऑर्डर से भी कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जहाँ कैप्टन भनुका राजपक्सा और शिहान जयसूर्या लगातार नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। ग्लैडिएटर्स की गेंदबाजी भी कुछ कमाल नहीं दिखा रही है, जहां मोहम्मद आमिर की फॉर्म एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और हम यहां धनंजय लक्षण और अकेला धनंजय से भी और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने की उम्मीद करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब अगर हम दोनों टीम्स के संभावित 11 खिलाड़ियों पर फोकस करें तो कोलंबो की ओर से खेल सकते हैं एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल, लॉरी इवांस, थिक्शिला डिसिल्वा, डैनियल बेल्ड्रमोंट, आंद्रे रसल, अशांत प्रियंजन, इजुरु उडाना, कायस अहमद, दुश्मंता चमीरा और थरिंदु कुशल। वहीं काले ग्लैडिएटर की ओर से खेल सकते हैं भनुका राजापक्सा, आजम खान, धनुष्का गुनाथिलाका, एहसान अली, धनंजय लक्षण, चैडविक वॉल्टन, शिहान जयसूर्या, लक्षण संडाकन, मोहम्मद आमिर, अकीला धनंजय और असिता फर्नांडो। तो दोस्तों, ये था 14th मैच का सारा हिसाब किताब आपके सामने, जहां कोलंबो स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है लेकिन बल्लेबाजी में अभी भी थोड़ी समस्या दिख रही है। वहीं दूसरी ओर गाले ग्लैडिएटर्स को अभी भी पहली जीत की दरकार है, लेकिन परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं हो पा रही है। आपके इस क्या विचार हैं इस मैच के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी ठोकते जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे क्रिकेट लाइन गुरु के साथ।